हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा लेक्चर एक शॉर्ट ट्रिक पर होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमको पैरों और सिरों की संख्या दी हो तो हमें अगर वहाँ पर उपस्थित जानवरों की संख्या निकालनी हो तो वो कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर आपने एग्ज़ाम में देखा होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि किस टाइप का क्वेश्चन है, वो किस पैटर्न का है, किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आज मैं इसको आपको सारा बेसिक से लेके इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की शॉर्ट ट्रिक। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन हमारा पहला। एक ग्राउंड है, ठीक है, एक मैदान है जिसमें कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ भेड़ हैं। ठीक है स्टूडेंट, कितने हैं वो हमें नहीं पता। ठीक, इस ग्राउंड में कुछ मुर्गियाँ कुछ भेड़ हैं। जहाँ पर हमको डाटा दिया गया है कि पैरों की संख्या जो है मुर्गी और भेड़ की मिला के कितनी है, 26, और सिरों की जो संख्या है इन दोनों के सिरों की संख्या मिला करके कितनी है, 10। क्लियर है, ये दो डाटा दिया हुआ है, ये ग्राउंड में इतने जानवर हैं। इसके बाद हमको बताना है कि मुर्गियाँ कितनी हैं और भेड़ कितनी हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, वेरिएबल्स का क्वेश्चन, चरों का। यहाँ वेरिएबल क्या है, पहला वेरिएबल है मुर्गी, दूसरा वेरिएबल है भेड़। तो हमें मुर्गी और भेड़ की संख्या बताना है कितनी है। उसकी हेल्प के लिए हमको क्या दिया है, पैर दिए हैं 26 और सिर दिए हैं 10। क्लियर, तो आपको मुर्गी पता नहीं है तो आप मुर्गी हैन क्या मान लो, हैन कितनी है, एक्स। शीप कितनी है, वाई। दोनों डाटा हमको नहीं पता। आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम इसके फॉर्म में जमाते हैं। कैसे जमाओगे आप, देखो सिर जो होंगे तो वो मुर्गी का भी एक ही सिर होगा और भेड़ का भी एक सिर होगा। ठीक है, तो दोनों के एक एक सिर होते हैं, मतलब जितनी मुर्गियां होंगी उतने ही सिर होंगे। तो एक्स मुर्गियां हैं तो एक्स सिर, वाई भेड़ हैं तो वाई सिर, सब मिला के कितने हैं, 10। क्लियर, लेकिन जो पैर होते हैं वो मुर्गी के दो पैर होंगे और भेड़ के चार पैर होंगे। ठीक है, तो देखिए मान लो पांच मुर्गियां हैं तो पैर कितने हो जाएंगे, 10। 10 मुर्गियां हैं तो पैर कितने हो जाएंगे, 20, मतलब डबल हो रहे हैं। तो एक्स मुर्गियां हैं तो पैर कितने हो जाएंगे, 2x। प्लस जैसा भेड़ है तो उनके चार पैर होते हैं, तो अगर मान लो पांच भेड़ हैं तो चार मतलब कितने पैर हो जाएंगे, 20। 10 भेड़ हैं तो पैर कितने हो जाएंगे, 40। किसका इंटू हो रहा है, चार का। तो वाई भेड़ हैं तो पैर कितने हो जाएंगे, 4y। ये पैर टोटल कितने हैं दोनों के मिला के, 26। अब ये हमारे पास ये आ गया इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए यहाँ x का कोफिशियंट 2 है तो यहाँ पर भी x का कोफिशियंट 2 बना लो, क्या फ़ायदा होगा, जैसे यहाँ 2 बना लोगे इक्वेशन को इससे घटा देना तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा y का। तो आप y को भी कोफिशियंट को आप सेम बना सकते हो, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 4 है तो यहाँ पर आप 4 बना सकते हो, तो 4 का मल्टीप्लाइड करना तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं x का करता हूँ तो इस पूरे इक्वेशन में काय का मल्टीप्लाइड, 2 का कर दो, तो ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही मल्टीप्लाइड करोगे तो ये क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 4 में से 2 गया 2y और यहाँ 26 में से 20 गया कितना बचेगा, 6, तो y बराबर कितना आ गया, 3। देखो y बराबर 3, वी नो दैट x प्लस y बराबर कितना था, 10, तो y बराबर 3 आ गया है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो x किसकी संख्या है, मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियाँ कितनी हैं, 7, और भेड़ कितनी है, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जू है, चिड़ियाघर है एक, वहाँ पर
चूहे हैं कुछ और कुछ हैं कबूतर। एक जू के अंदर क्या है? चूहे और कबूतर, दो तरह के जानवर। ठीक है, अब क्या होता है, उन सबको अगर इकट्ठा देखा जाता है तो पैर कितने दिखाई देते हैं? 224। सिर कितने दिखाई देते हैं? 90। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको बताना कितने चूहे हैं और कितने कबूतर हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है, चूहे की संख्या मान लो कितनी है? एक्स। कबूतर की संख्या कितनी है? वाई। अगर सिर देखोगे तो सबके एक ही एक सिर होंगे, तो चूहों के सिर एक्स, कबूतर के सिर वाई, कितने हैं? 90। ठीक है, अब पैर कितने होंगे? चूहे के चार पैर, कबूतर के दो पैर, तो चूहे के कितने पैर? चार पैर, तो 4x है ना, चार पैर, एक चूहे के चार, तो x चूहों के 4x प्लस कबूतर के 2y इज इक्वल टू 224। इनको सॉल्व करना है आपको, तो मैंने बताया आप x के कोफिशियंट को सेम बना लो, तो यहाँ चार है तो यहाँ पे चार बनाने के लिए क्या करोगे? 4 का मल्टीप्लाइड, ये हो गया 4x प्लस 4y, और यहाँ करोगे तो 360। ठीक है, इसको घटा दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया। 2y में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? -2y। अब देखो 224 में से 360 घटाओगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, कितना आएगा? ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 136 अपॉन 2, 2×6=12 और 2×8=16, तो वाई बराबर कितना आ गया? 68। वाई हमने क्या माना था? कबूतर। कबूतर कितने हैं? 68। तो हम जानते हैं एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 90। तो वाई आ गया है 68, है ना, तो एक्स कितना आ जाएगा? 22। मतलब चूहे कितने हैं? 22, और कबूतर कितने हैं? 68। क्लियर स्टूडेंट्स, अगला देखिए, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स। एक ग्राउंड है, मैदान है एक, उसमें कुछ घोड़े हैं कुछ आदमी हैं। ठीक है, कुछ घोड़े हैं और कुछ आदमी, हमको बताना है कितने घोड़े हैं और कितने आदमी हैं। बताया क्या है? पैर कितने दिख रहे हैं? 140, और सिर कितने दिख रहे हैं? 48। तो हम वही तरीका अपनाएंगे, हमने मान लिया घोड़े हैं एक्स, आदमी है वाई। ठीक है, तो आदमी का एक ही सिर हो, आदमी का सिर एक, घोड़े का सिर एक, ठीक है, लेकिन आदमी के पैर दो होंगे और घोड़े के पैर चार होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को जमा दीजिए। सिर देखिए, एक्स घोड़े हैं तो एक्स सिर, वाई आदमी है तो वाई सिर, तो एक्स प्लस वाई 48, 48 सिर हैं। पैर कैसे जमाओगे? घोड़े के चार पैर तो 4x प्लस आदमी के दो पैर तो 2y इज इक्वल टू 140। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको सेम बनाना है ना, तो अभी तक मैंने x वाला बताया, आप y वाला देख लीजिए, y के कोफिशिएंट को एक सा बना दीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पूरे में 2 से कर दो मल्टीप्लाइड, तो क्या जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 96। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है, चार ये माइनस करोगे तो ये 2x ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा? चार, सो एक्स इज इक्वल टू 22। घोड़े कितने हैं? 22। तो हम जानते हैं एक्स प्लस वाई जो था हमारे पास कितना था? 48, तो एक्स मिल गया 22 प्लस वाई बराबर 48, तो वाई बराबर कितना जाएगा? 26। मतलब 26 आदमी हैं और 22 घोड़े हैं। इस तरह से इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है, आप और भी सवाल लगा कर देखिए, इसी मेथड से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक।